दोस्तों पोस्टर सजने लगा है, बैनर दीवारों पर चिपकने लगा है, ये बताया जाने लगा है कि मोदी सरकार के 9 साल के कार्य क्या क्या किए गए हैं, मोदी सरकार ने 9 साल के अंदर देश को कितना फायदा पहुंचाया है, सब कुछ बताया जा रहा है, चाहे वो पोस्टर हो, चाहे वो बैनर हो या विज्ञापन हो, हर तरफ इसको सजाया जा रहा है। मोदी सरकार के एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता, बड़े मंत्री आजकल इसी काम में जुटे हुए हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में 9 सालों तक देश को कितना विकास हुआ है, देश को कितनी तरक्कियों की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया गया है। काम तो खूब गिनवाया जा रहा है, लेकिन क्या ये बताया जा रहा है कि मोदी जी ने जनता को कितनी महंगाई से राहत दी है, ये कौन बताएगा? विकास के पोस्टर तो छप गए हैं, लेकिन महंगाई के पोस्टर कौन छापेगा, कौन बताएगा? क्या मोदी सरकार बताएंगे कि आम जनता की जेब में आराम है भी या नहीं? इसी को लेकर रविश कुमार ने जो पोस्ट किया है दोस्तों, शायद भाजपा सरकार के कामों पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से विज्ञापन लगाया जा रहा है, लोगों को दिखाने की कोशिश की जा रही है, उन विज्ञापनों में कितना दम है, इसकी पूरी जानकारी रविश कुमार अपने एक पोस्ट के जरिए बयां कर रहे हैं। रविश कुमार लिखते हैं ट्विटर पर, ट्वीट करते हुए कि सिलेंडर का दाम कम नहीं हो रहा है, आकार कम हो रहा है। 5 किलो के छोटू सिलेंडर के बाद 2 किलो का मुन्ना सिलेंडर बाजार में आ गया है। अमर उजाला में ये खबर मुन्ना साइज में छपी है। क्या उज्ज्वला योजना की तरह हर पेट्रोल पंप पर मुन्ना सिलेंडर के साथ प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बड़ा पोस्टर लगेगा, जिस पर लिखा होगा कि मोदी ले आए मुन्ना? यही हाल रहा तो एक दिन इस देश में 200 ग्राम का भी, 100 ग्राम और 50 ग्राम के भी सिलेंडर मिलेंगे। इनके नाम होंगे चिंटू, पिंटू, मिंटू सिलेंडर। मुन्ना सिलेंडर का मतलब है गरीब और गरीब हो गया है। 14 किलोग्राम का सिलेंडर नहीं ले सकते हैं तो 2 किलो का मुन्ना सिलेंडर बाजार में ला दिया गया है। इस गरीबी पर पर्दा डालने के लिए अलग अलग, जी हाँ, अलग अलग नाम से धर्म की राजनीति तेज होगी। आर्थिक असमानता की जगह धार्मिक असमानता का भूत खड़ा रहेगा, भूत लाया जाएगा और बताने की कोशिश की जाएगी कि गैर बराबरी वहाँ है जहाँ पर, जी हाँ, बताने के लिए गैर बराबरी वहाँ है, हम सभी धर्मों को बराबर कर रहे हैं, आप सभी लोग धर्म के नाम पर उज्ज्वला से मुन्ना बनाए जा रहे हैं। बधाई हो आप सभी को कि मुन्ना छोटू बनने पर किस तरीके से ये पोस्टर बैनर के ज़रिए बताया जाएगा। माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन इस तरीके की चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही है। अब आप सोचिए दोस्तों, 12 किलो का सिलेंडर, 14 किलो का सिलेंडर से अब सीधे 2 किलो के सिलेंडर पर आ गए, और कहा जाता है कि हमने देश में इतना तरक्की किया है, लोगों को जो है इतना ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया है कि जो चूल्हा चौकी कर रही थी, जो महिलाएँ चूल्हा जला रही थी, वो महिलाएँ अब सिलेंडर में पकाने लगी हैं। कौन सा सिलेंडर, किस सिलेंडर की बात की जा रही है जो लगातार दाम छुए जा रहे हैं आसमान? जी हाँ दोस्तों, लगातार दाम इस कदर बढ़ रहा है कि लोग सिलेंडर को घर के किसी कोने में कबाड़ में डालकर रखे हुए हैं और फिर से वापस उसी चूल्हा में खाना पकाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर तमाम लोगों की तरफ से यही प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि महंगाई पर मोदी जी की तरफ से एक शब्द नहीं कहा जा रहा है, ना ही मीडिया की तरफ से ये बताया जा रहा है कि महंगाई किस कदर बढ़ रहा है। पेट्रोल से ज़्यादा महंगा टमाटर हो चुका है, लेकिन इस बात की चर्चा कहीं पर नहीं दिखाई दे रही है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।